नमस्कार साथियों, मैं ईश्वर प्रजापत और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आप सभी को जानकारी दे दें। कुरुक्षेत्र में आशा वर्कर ने दूसरे दिन आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा के आह्वान पर लघु सचिवालय के बाहर धरना देकर रोष जताया। साथ ही मानदेय में बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों के समर्थन में 3 दिन की हड़ताल पर है। यूनियन की सचिव रोशन देवी ने बताया कि 2018 के बाद से आशा वर्कर्स के काम में कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन पिछले 5 साल से मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आशा वर्करों की मुख्य मांग में 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए, आशा वर्कर को पक्का कर्मचारी घोषित किया जाए और मानदेय में प्रोत्साहन राशियों को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए। फिलहाल प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर कामकाज छोड़ गुरुवार तक जिला मुख्यालय पर आशा वर्कर्स रोष जताएंगी। मांगों के समर्थन में फिलहाल 3 दिन की हड़ताल का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन भी हो सकता है, जिसकी जिम्मेवार सरकार होगी। मेरी आप सभी से यही अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें अपना सुझाव जरूर साझा करें। मैं जिला सचिव और स्टेट के सदस्य हूँ। हमारी मांग ये है कि 12 महीने तक हमें तनख्वाह नहीं मिलती जी, 10 महीने की मिलती है और 2 महीने की हमारी काट ली जाती है। ये तो हमें 12 महीने तनख्वाह मिलनी चाहिए और हमारा न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 होना चाहिए। जैसे महंगाई के तौर पे देखा जाए तनख्वाह हमारी बहुत कम है हुकूकों की। हाँ जी, और दो महीने की हमारी ये काट ली जाती है और 2 लाख रुपये जो हमारी बहनें हटाई गई हैं कम से कम उनको 2 लाख रुपये दी जाए। वर्दी भत्ता में 2,000 रुपये मिले और जी जो हमारा काम है उस जहाँ कुक नहीं लग रही हैं वहाँ पे कुक की भर्ती हो, और जो हमारी 65 साल की उम्र है इसको हमारी 60 साल की उम्र में हमें हटा दिया जाता है तो हमारी साल 65 साल की उम्र की जाए, हमारी 65 साल की उम्र कही जाए और बहनों को बेगार बंद करी जाए और जो बहनें हमारी काम से टार की हैं उनकी जगह उनके परिवार से लिया जाए या उनको 2 लाख रुपये मिले। रोशन देवी।